13,305 और कुल वितरित स्मार्टफोन की संख्या 7,005 है और अब तक 20,310 डिवाइसेज वितरित किए जा चुके हैं। कुमारी आस्था मडावरा, श्री पवन कुमार गोला, आंगनवाड़ी के अंतर्गत माननीय जी के शुभ कर कमलों से किट वितरित की जा रही है, जिसमें कि बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास से संबंधित सामग्री है। श्रीमती अर्चना पराशर, इस किट के माध्यम से बच्चों का उत्तरोत्तर विकास होगा, प्रगति होगी। जनपद में कुल 2,363 आंगनवाड़ी केंद्रों में से CSR फंड एवं पंचायत निधि से 600 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी संसाधन किटों का वितरण किया जा चुका है। श्रीमती अनुराधा, श्रीमती विनीता राजपूत, हमारी इन आदर्श आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। श्रीमती रेखा तिवारी, 600 आदर्श, श्रीमती विनीता राजपूत, श्रीमती रेखा तिवारी, 600 आदर्श आंगनवाड़ी माननीय राज्यपाल महोदया जी के समक्ष यहां पर शुरू हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहां पर 100 आदर्श आंगनवाड़ियों के अंतर्गत किट वितरित की जा रही है। और श्रीमती मनीषा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जनपद मथुरा को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मैं माननीय से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि कृपया बटन दबाकर इन विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। लगभग 208 करोड़ 37 लाख की लागत से 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय जी के शुभ कर कमलों से किया जा रहा है और इन शिलापट्टों का अनावरण होता हुआ, जिसमें 41 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है जिनकी लागत 121 करोड़ 51 लाख है और शिलान्यास 39 परियोजनाओं का शिलान्यास जिनकी लागत लगभग 864 करोड़ 46 लाख है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जनपद मथुरा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन तथा दमदार कार्यशैली और सकारात्मक सोच का ये सुपरिमाणाम है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर ध्रुव तारे सा जगमगा रहा है। ऐसे ही यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। राधे राधे, राधे राधे, बोले बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे बंदे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के सुशील कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित आज की इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद
तथा जिन्होंने भारत की कला को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायकगण, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शशिकांत शर्मा जी, पूरण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, श्री मेघ श्याम सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, नवनिर्वाचित महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, पूर्व विधायकगण श्री श्याम सिंह हरिया जी, श्री कारिंदा सिंह जी, श्री रविकांत गर्ग जी, भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 9 वर्ष की उपलब्धियों के साथ साथ ब्रज क्षेत्र को विकास की कुछ योजनाओं की सौगात भी मिले, 208 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। और मंच पर उपस्थित माननीय सांसद, माननीय विधायकों को इन पूरे कार्यों में पूरी लगन के साथ कार्य करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, 9 साल बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल। सचमुच ये 9 वर्ष भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरा पड़ा है, और ये उपलब्धियां हर दिन हर प्रसंगों के माध्यम से, प्रकरण के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। कल आपने देखा होगा जब अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया के सबसे बड़ी ताकत पर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता है, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई देता रहा हो। भाइयों बहनों, ये है नए भारत की नई पहचान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा है सम्मान, ये सामान्य सम्मान नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है, और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर गौरव के साथ दुनिया के मंच पर उठाने का एक अवसर देता है। इससे पहले 21 जून को आपने देखा होगा विश्व योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 180 देशों में योग के साथ दुनिया की कोई बड़ी शख्सियत ऐसी नहीं थी जो योग के साथ न जुड़ा हो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में योग के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक परंपरा को, ऋषि परंपरा के प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। ये ऋषि परंपरा के प्रति दुनिया झुक करके कार्य करेगी, यह भी श्रेय अगर किसी को जाता है ये प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जो मोदी जी स्वयं उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के योग के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। भाइयों बहनों, भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम हो या फिर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों के अंदर हम सबने इन कार्यों को नजदीक से होते हुए देखा है। कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाएगा? आप ऐसे कितने लोग काशी विश्वनाथ धाम गए हैं? बनने के बाद बहुत सारे लोग गए हैं, बाकी लोग जाइए। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कुछ विशेष आयोजन कराए, कार्यक्रम एक बनाइए और लेकर के जाइए, अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लोग देखें, दो चीजें आपको काशी में देखने को मिलेंगी। आप यहां से जाइए, एक दिन लखनऊ विश्राम करिए, लखनऊ में विधानसभा दिखाइए, वहां जू भी दिखाइए और फिर वहां से जाइए अयोध्या, अयोध्या में रामलला का दर्शन भी करिए, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का अवलोकन करें। लोग काशी जाइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन, काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन करिए और अंतोदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी जन्मभूमि सौभाग्य से यही मथुरा जनपद है, उनका एक भव्य स्मारक बना हुआ है दीनदयाल धाम में। जनपद वाराणसी और चंदौली के बीच में, चंदौली में बना हुआ है, एकदम गंगा जी के तट पर बना हुआ है, वहां दिखाइए। पंडित जी के पूरे दर्शन को स्मारक के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य हुआ, बहुत भव्य प्रदर्शन किया गया है और मुझे लगता है मथुरा के हर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। पंडित जी ने आज से 70 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले जो संकल्प लिया था, वो संकल्प कैसे साकार हो रहा है, वह स्मारक वहां पर उनके संकल्पों को जोड़ता है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे संकल्प जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम और दूसरी तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण, कितने लोग अयोध्या गए हैं इधर, अयोध्या कितने लोग गए हैं इधर, जब से राम जन्मभूमि के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, जाइए एक बार वहां भी। मैंने कार्यक्रम तो मैंने आपका बना ही दिया है, जाएंगे, कितने लोग तैयार हैं जाने के लिए? जाने के लिए सब तैयार हैं। इसका मतलब सभी हमारे सांसद विधायकों को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और एक एक करके अगले दो तीन वर्ष के अंदर इस कार्यक्रम को बना करके सबको यहाँ धामों का दर्शन कराए करिए। विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होता है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में देखा है। भाइयों बहनों, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप उधर जाएंगे तो मैं वहां के जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि वे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन तीर्थों का दर्शन करने के लिए वहां की जनता को लेकर के भी जाएं, वहां के कार्यकर्ताओं को लेकर के भी जाएं, क्योंकि यही तो धाम है जो हमारी पहचान है, यही हमारा तीर्थ है, यही हमारा इतिहास है, यही हमारा गौरव है और यही हमारी विरासत भी है, इसी ने हमें पहचान दी है, यही पहचान हमारी है। भगवान कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले साक्षात इस धरा धाम पर अवतरित होकर के उन्होंने जो संदेश मानवता के कल्याण के लिए उस समय दिया था, धर्म की स्थापना के लिए, उस समय न्याय और सत्य की स्थापना के लिए,
जो मार्गदर्शन दिया था आज भी सत्य है, शाश्वत है, उसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में सदैव बनी हुई है। और उसी की दृष्टि से जब हम यहां पर आते हैं तो गौरव की अनुभूति करते हैं, एक नई आध्यात्मिक अनुभूति होती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। आप याद करिए, जब हरिद्वार कुंभ के ठीक पहले वैष्णव कुंभ का आयोजन होना था, एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ हरिद्वार कुंभ के पहले यहां का वैष्णव कुंभ होना था, तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी। यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों का था कि नहीं, पूज्य संतों का वैष्णव कुंभ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राधा रानी सब संभाल लेगी, बांके बिहारी हमारे सब संभाल लेंगे। और भाइयों बहनों, जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नेतृत्व में एक कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ, आपने देखा होगा एक महीने से अधिक समय तक हजारों संत यहाँ बैठे रहे, हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आते रहे, कोरोना दूर दूर तक नहीं पटका। जिस दिन जैसे संतों की सभा उठी, कोरोना की महामारी प्रदेश और देश के अंदर देखने को मिली थी। यह है चमत्कार, यह है चमत्कार। शांतिपूर्ण तरीके से यमुना मैया की कृपा भी थी बनी हुई, राधा रानी की कृपा बनी हुई थी, बांके बिहारी की कृपा बनी हुई थी, और किस रूप में शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और अभी ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं तैयार हुई हैं, भाइयों बहनों, ये योजनाएं जिस दिन जमीनी धरातल पर उतर करके पूरी प्रभावी ढंग से लागू हो गई, एक बार फिर से हमें द्वापर युग की याद को ताजा करा देगा। फिर से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ये सभी एक बार हमें द्वापर युग की स्मृतियों को ताजा करवा देंगे। और हमें फिर से अपने इन तीर्थों के विकास के लिए कार्य करना है। और विगत 9 वर्ष के अंदर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है, केदारनाथ में केदारनाथ धाम, और भाइयों बहनों, महाकाल में महालोक का निर्माण भी हो रहा है, गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ धाम के पुनरुद्धार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है, देश के अंदर अन्य अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम एक तरफ चल रहे हैं, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी किस युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, ये सभी सुविधाएं बहुत शीघ्र हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे लोग आसानी से आगरा से भी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी दिल्ली से यहां जुड़ सके, लोग आ सके। ये सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए आज देश के अंदर इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। कल्पना करिए, जब 1947 से 2014 तक देश के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट बने थे, और 14 से लेके 22 के बीच में, 23 के बीच में 74 नए एयरपोर्ट बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 1947 से लेके 2017 तक मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और 2017 से लेके 2023 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 59 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, और बहुत शीघ्र वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ जाएंगे। 1947 से लेकर के 2014 तक देश के अंदर मात्र 6 एम्स बने थे, और 2014 से लेके 2022-23 के बीच में 22 एम्स का निर्माण देश के अंदर हो चुका है। भाइयों बहनों, हर एक क्षेत्र में देश ने नई प्रगति की है, एक नई उड़ान भरी है। तो गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ जो एक नया रिकॉर्ड बनाया है दुनिया के अंदर, जो कहीं नहीं हुआ,
वह भारत ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करके दिखाया है। आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी के दौरान दुनिया जब पस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी, मोदी जी नई नई योजनाओं को बना रहे थे, कहीं वैक्सीन का निर्माण, कहीं पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ाना और गरीब कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलना, मजदूरों को भरण पोषण भत्ता देना, गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ देना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उस कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाना, जनधन अकाउंट धारी हर माह के खाते में सीधे पेमेंट आना, बड़े पैमाने पे कार्य हुआ। भारत अकेला देश है भाइयों बहनों आपके सामने, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं, एक भारत है। कोरोना कालखंड में लगातार 3.25 वर्ष से अपने लोगों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, उसकी दलिद्रता पर दुनिया आज हंसती है, वहां 1 जून रोटी के लिए किस प्रकार से छीना झपटी हो रही है, यह भी आपके सामने दृश्य है, दुनिया के सामने दृश्य है। 140 करोड़ लोग खुशहाली से भारत का निर्माण और एक नए भारत को देख रहे हैं। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया, उस समय भारत के साथ 2 बड़ी उपलब्धियां जुड़ी। एक, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उसे पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, और दूसरा G20 के देशों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भाइयों बहनों उस समय पाकिस्तान के सामने भोजन के लाले पड़ रहे हैं, किस प्रकार से छीना झपटी, और ये गली मोहल्ले आपको याद आ रहे होंगे इस समय, और ये दृश्य दिखाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, उसने जैसा किया है हिंदुस्तान के लिए आज उसका फल भोग रहा है, अपने पापों को फसल काटने के लिए वो मजबूर है, और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, चाहे वह गरीबों का मकान, 3.5 करोड़ गरीबों को मात्र 9 वर्ष में सिर ढकने के लिए छत मिल जाए, उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है, देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों को फ्री में शौचालय, उत्तर प्रदेश में 2.61 करोड़ गरीबों को फ्री में शौचालय की सुविधा का लाभ मिला है, हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, तीर्थ स्थलों का विकास होना, रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, फ्री वैक्सीन अकेले भारत ने अपने नागरिकों को दिया, अमेरिका ने भी इतनी वैक्सीन अपने देश में नहीं दे पाया, और इसलिए भाइयों बहनों यह 9 साल बेमिसाल है, भारत खुशहाल है, और इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मिशन के साथ हम सबको जुड़ करके भारत को 2027 तक दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, तो 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा, यह देश के हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए, यह मथुरा वासियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ब्रज क्षेत्र के निवासियों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, और मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, 100% परिणाम। हेमा जी को आपने लगातार चुनाव जिताया, विधानसभा चुनाव हुए 17 में 4 तो 22 में 5 के 5 ये भाजपा की झोली में चले गए, और जब महापौर का चुनाव हुआ तो विनोद अग्रवाल जी को भी आपने 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव जिता करके भेज दिया। भाइयों बहनों मैं आभारी हूं आपका, धन्यवाद देता हूं कि
मथुरा वासियों ने, मथुरा वृंदावन वासियों ने महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा का एक अवसर दिया है और उसी सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज विकास की योजनाओं का और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का यहाँ पर हम कर रहे हैं। मैं भी यही पूछ रहा था, जो मंच पे आ रही थी माताएं आ रही थी, बहनें आ रही थी जिनको आवास की सुविधा मिला, मैं उनसे पूछ रहा था ये मकान मिल गया, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा किसी ने पैसा तो नहीं मांगा, कहा नहीं। मैंने कहा ये आप जानती हैं, हेमा जी की तरह इशारा करते, मैंने कहा इनको पहचानती, कहा हाँ इनको जानती है। मैंने कहा कैसे, कहा हमारी सांसद है। मैंने कहा कैसे पहचानती है, कहा इनकी फिल्मों को हमने देखा है, यानी हेमा जी की फिल्मों को देख करके जो कभी उनको कल्पना लगता था आज हेमा जी साक्षात उनके सामने खड़े होकर के उनको पत्र दे रही हैं, ये लीजिए आपका आवास है। ऐसा तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए ना, और अगर वे सांसद नहीं होती तो क्या मथुरावासी क्या हेमा जी से मिल पाते, क्या क्या मिल पाते? हाँ, नहीं मिल पाते। तो जनप्रतिनिधि से संवाद बनाना बहुत आसान होता है, अगर वो केवल फिल्मों में ही काम करती तब तो कोई नहीं मिल पाता, सामान्य नागरिक नहीं मिल पाता उनसे। लेकिन आज वे फिल्मों में कला को, तो उच्च कोटि की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। भारत की कला को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान उन्होंने दी, लेकिन साथ साथ जनप्रतिनिधि के रूप में भी एक जनप्रतिनिधि को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। लगातार जब भी उनका फोन आता है विकास के बारे में, ब्रज क्षेत्र के विकास के बारे में, यहाँ के उत्थान के बारे में, यहाँ के गरीब कल्याण के बारे में, यहाँ के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, वो लगातार चिंतित होकर के बोलती है इन कार्यक्रमों को इस रूप में करना चाहिए, ये अभियान इस रूप में चलना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद, सभी हमारे विधायकों के साथ, विधान परिषद सदस्यों के साथ, महापौर के साथ, सबके साथ बेहतर समन्वय करके विकास के बारे में चिंता, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे विधान परिषद सदस्य, हमारे महापौर, हमारे चेयरमैन, ये सभी लगातार विकास के बारे में चिंता करते हुए लगातार उसके लिए अपनी ओर से प्रयास करते हैं, सरकार से पहल करते हैं, विकास के लिए पैसा लाते हैं, और ब्रज तीर्थ विकास परिषद इन सब के साथ मिलकर के यहां के समग्र विकास के लिए निरंतर आगे कार्य कर रहा है, एक नई पहचान दिला रहा है ब्रज क्षेत्र को, और ब्रज क्षेत्र को उसकी पहचान दिलाना ही पड़ेगा, इसको दिलाना पड़ेगा। दुनिया आती है यहां पर, दुनिया आती है, प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, उस श्रद्धा को सम्मान देना पड़ेगा, उस श्रद्धा को बनाए रखना पड़ेगा। हमें अपने ब्रज क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसी समग्र विकास की ओर आगे बढ़ा करके लेके चलना होगा, और इसलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं आकर के यहाँ पे बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा, माँ यमुना की कृपा प्राप्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आता हूँ कि उनकी कृपा बनी रहे, प्रदेश विकास के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और यह क्षेत्र अपनी पहचान के माध्यम से प्रदेश और देश को एक नई पहचान दे सके। इस दृष्टि से यहाँ पर आकर के हम लोग अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। आज भाइयों बहनों, 208 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, कुछ का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास, नई नई योजनाएं, हर प्रकार की योजनाएं, और ये योजनाएं आने वाले समय में आप देख, कल्पना जो चीजें कभी कल्पना हुआ करती थी, कोई सोचता था हर घर में नल लगेगा पीने के लिए, पानी के लिए, अब खारा पानी बहुत को दूर की बात होगी, हर घर में बहुत शीघ्र, हर घर में चाहे वह नगर हो चाहे वह गांव हो, शुद्ध पेयजल। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, वर्षा के एक एक बूंद पानी को सुरक्षित रखना, जल संरक्षण के लिए भी हमें तैयार होना होगा। वर्षा काल आने वाला है, अधिकाधिक वृक्ष लगाना,
जल संरक्षण के उपाय के साथ जुड़ना, प्लास्टिक मुक्त ब्रज क्षेत्र को बनाना, गंदगी के खिलाफ अभियान चलाना, हमारा गांव भी आत्मनिर्भर बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, हमारा नगर, हमारा वार्ड, हमारा मोहल्ला स्वच्छ और सुंदर बने, ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी को लेकर के यहाँ पर हमारे सभी विधायकगण, एमएलसी, चाहे हेमा जी हो, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हो, श्रीकांत शर्मा जी हो, मेघ श्याम जी हो, पूरण प्रकाश जी हो, राजेश चौधरी जी हो, ओम प्रकाश सिंह जी हो, विनोद अग्रवाल जी हो, ये सभी लोग उसी अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राधा मोहन सिंह जी को, वे आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए हैं और आज इस कार्यक्रम में भागीदार बन करके आप सबके साथ उनका आपको भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ के अन्य पदाधिकारीगण, सभी लोग, संगठन के पदाधिकारीगण मिलकर के सभी लोग इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इन सभी योजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं। महापौर के चुनाव में जो समर्थन आपने दिया उसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हमारा ब्रज क्षेत्र द्वापर युग की उस संकल्पना को एक बार फिर से साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मेरे साथ एक बार बोलेंगे बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, जय जय श्री राम।